Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. फील्ड पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तब हमारे दिमाग में उरी फिल्म का नाम आता है. वैसे हाउस द जोश कहकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिया गया. पर इंडियन आर्मी का पहला सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था क्या आपको पता है? 27 अगस्त की दोपहर 2 बजे मेजर दयाल ने एक आर्टिलरी अधिकारी को अपने साथ लिया और हाजी पीर दर्रे की तरफ बढ़ चले. हाजी पीर दर्रे की तरफ अटैक करने के कुछ टाइम बाद ही सैंग से भागे दुश्मन ने मेजर दयाल की टीम पर हमला कर दिया. इंडियन आर्मी ने जल्द ही इन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया. इसी दौरान शुरू हुई पूरी घाटी फॉग के अंधेरे में डूब गई. 2 दिनों से लगातार वॉर कर रहे इंडियन आर्मी के जवान अब थोड़ा थक चुके थे. इसके बावजूद उन्होंने तमाम दुश्मनों का सामना करते हुए हाजी पीर दर्रे की तरफ अपना अटैक जारी रखा. हाजी पीर दर्रे के करीब पहुंचने के बाद मेजर दयाल ने फैसला लिया कि वो सीधा रास्ता छोड़कर दर्रे पर करीब 60 डिग्री की सीधा अटैक करेंगे. भारी बारिश के बावजूद इंडियन आर्मी सुबह करीब 4:30 बजे उरी पूंछ मार्ग के करीब तक पहुंच गए. यहां थोड़ी देर रुकने के बाद इंडियन आर्मी ने फिर अटैक शुरू किया. इंडियन आर्मी सुबह करीब 6 बजे दर्रे की तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हो गई. इसी दौरान इंडियन आर्मी की ये टीम दुश्मन की नजरों में आ गई. दुश्मनों ने मेजर दयाल की टीम पर गोली बरसाना शुरू कर दिया जिसका इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया. इस वॉर के बीच मेजर दयाल ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया. पर यहां हाजी पीर दर्रे की लड़ाई खत्म नहीं हुई. इंडियन आर्मी के एक्शन से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर हमला किया जिसे इंडियन आर्मी ने बड़ी आसानी से फेल कर दिया. इंडियन आर्मी ने न सिर्फ हाजी पीर के दर्रे पर अपना कब्जा कायम रखा बल्कि दूसरे मेन एरियाज पर इंडिया का तिरंगा लहराने का टारगेट भी जारी रखा. तो दोस्तों ये थी वो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी. वैसे कश्मीर को लेकर कितने सारे मुद्दे उठाए जाते हैं ये तो आपको पता ही है. हो सकता है कि आने वाली फिल्म यानी कि रैम्बो में जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं उसमें यही सर्जिकल स्ट्राइक फिल्मी अंदाज में दिखाया जाए या फिर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर टाइगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आए. पर ये सब फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा. तब तक आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को.